टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। 7 दिन से भूखे प्यासे आंदोलनकारी 250 मीटर ऊंची चिमनी पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र का ये पहला ऐतिहासिक आंदोलन हो सकता है, क्योंकि 250 मीटर ऊंचाई वाली चिमनी पर चढ़कर महिला पुरुष पिछले एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर डटे हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर गांव के रहवासियों का पूरा मामला क्या है, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल चंद्रपुर एक गांव है जो महाराष्ट्र में आता है। उन्हीं गांव वालों की जमीनों पर थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया है। ये मामला है 30 साल पुराना। जब थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया, उनकी जमीन पर बनाने से पहले वादा किया गया था मुआवजा देंगे, साथ में नौकरी भी देंगे। इस बात को बोले लगभग 30 साल होने को है और पिछले एक हफ्ते से थर्मल पावर स्टेशन के विरुद्ध में पावर स्टेशन के चिमनी पर महिलाएं पुरुष चढ़कर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जमीनों पर बना और जो वादा किया था थर्मल पावर स्टेशन के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, वो उनको जो है नहीं दिया गया। हालात अब धीरे धीरे आंदोलनकारियों की बिगड़ती जा रही है, मगर थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है आंदोलनकारियों ने मन बनाया है, मांग पूरी नहीं हुई तो मर के ही नीचे आएंगे। हमारे हालत बद से बदतर है सर, और हमारे लेडीज को तो टॉयलेट का और बाथरूम का प्रॉब्लम था ही था, लेकिन आज ऐसी कुछ विपदाएं है उनके ऊपर कि वो हम आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। 1000 फीट के टावर पे चढ़े हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, इन्हें आश्वासन बहुत बार मिला पिछले अनेक वर्षों में जो आंदोलन हुए, आश्वासन नहीं चाहिए। इस बार हमें लिखित स्वरूप का लेटर चाहिए जो कि हमें नौकरी में सीधा भर्ती लिया जाए। ये मांग को लेके पिछले 6 दिन से बारिश में महिला और पुरुष भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं। 10 साल से हमको आश्वासन के ऊपर आश्वासन नहीं मिल रहे, हमको खाली 500-2000 बढ़ा के यही पे रहो करके चला रहे और ट्रेनिंग पे रहो, और हमारा ये ट्रेनिंग का जो पीरियड है अभी किसी को 10 साल, किसी को 13 साल होने के बाद भी हमारा ट्रेनिंग का कुछ यानी नामो निशान ही नहीं कि ट्रेनिंग कब तक चलेगी। कहीं नौकरी दी है, ये बातों में हमको उलझा ना रखे, जो भी हमारे हमें फंसा के मत रखे, हमें जमीन गई उसकी जो असली मुआवजा होता है नौकरी, वो नौकरी दे, बस वही दी जाए, इसमें हमको ना फंसा के रखे।